बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है कि आप अच्छे नंबर ला सके। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों जिनके 90 प्लस स्कोर हुए थे 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में, तो उन्होंने कैसे तैयारी किया था, उन्होंने किस बुक से तैयारी किया था, फ्रेंड्स ये सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको जो है ना ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट काफी ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स कितना कितना नंबर आप ला सकते हो, कितना भी अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में वीक हो, मैथ बिल्कुल भी अगर आपको नहीं आता है, तो 90 प्लस स्कोर जनरल को करना होगा। लेकिन अगर आप 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते हो, जनरल कैटेगरी से हो फ्रेंड्स, तो आप हो सके तो ईबीसी BC1 मतलब OBC के अंतर्गत आता है, इसका सर्टिफिकेट बनवा लो, तो 5 से 7 नंबर का आपका फायदा हो जाएगा। ओके, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये हिंदी, और हिंदी में फ्रेंड्स कितना भी टफ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए आप 25 में से 20 इजीली ला सकते हो, मान लीजिए 20 ले आए। उसके बाद फ्रेंड्स इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में भी नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है। बस इंग्लिश में क्या है कि जो ग्रामर से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, एक एक टॉपिक को देखिए, सारा टॉपिक जो है ना 2024 में मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, तो ऐसे में फ्रेंड्स आप हो सके तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और अभी से आप तैयारी कर लीजिए, या फिर हो सके तो आप जो है ना लुसेंट की जनरल इंग्लिश की एक बुक आती है, या प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम करके जो है एक बुक आती है, गूगल पे सर्च करके नाम देख लीजिए और उसको प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, उस बुक से आप कर सकते हो, या हो सके तो आप यूट्यूब पे एक एक टॉपिक को सर्च करो, इसको अच्छे से समझो, और फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर वाली मैं बुक आपको बताया हूं ना, यूनिक पब्लिकेशन की, जो कि 2025 का न्यू एडिशन का सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा, उसमें क्या है कि 30 से 40 क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे 23-24 के। ओके फ्रेंड्स, और उसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है ना, डेली एक सॉल्व करा हुआ ही पेपर जो है सॉल्व करना है, मतलब आंसर नहीं देखना है। अब फ्रेंड्स 120 क्वेश्चंस है और आपको 150 मिनट का टाइम मिलेगा, 2.5 घंटे का, तो आपको 150 मिनट टाइमर सेट करना है और 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से, और आपको ये चेक करना है फ्रेंड्स कि 120 में से आप कितने नंबर ला सके, ठीक है, 120 में से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये चेक करना है कि 120 में से कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मतलब आप नहीं कर पाए, कौन से सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, और उसके बाद फ्रेंड्स उसी टॉपिक को आपको सर्च करना है गूगल पे, यूट्यूब पे, बुक में, और उसके बाद उसको समझना है अच्छे से और उसको पढ़ लेना है, क्लियर हो जाएगा फिर। तो ये तरीका सबसे अच्छा मैं आपको बताया हूँ, इस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो देखिए हिंदी में फ्रेंड्स आप इजीली जो है ना, अभी से आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है, तो ऐसे में अगर आपको गवर्नमेंट डॉट डाइट कॉलेज चाहिए तो आपको अभी से तैयारी करना होगा। वैसे प्राइवेट कॉलेज के लिए फ्रेंड्स ये नहीं है कि आप लास्ट में 1 महीने तैयार करके प्राइवेट मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो बिहार में गांव साइड रहते हैं, जो डेली कॉलेज नहीं जा सकते, वो प्राइवेट से करते हैं। फीस तो लगती है आपको पता है 1,20,000 रुपये प्राइवेट में, लेकिन करते हैं तो सीट नहीं बचती है, तो कम से कम उसके लिए भी आपको 60 नंबर लाना होगा जनरल हो तो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए 50 लाना होगा। वहीं पर फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप जनरल से हो 90 प्लस स्कोर करना होगा, ईबीसी BC1 मतलब ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको फ्रेंड्स यहां पर कम से कम जो है 85 प्लस स्कोर करना होगा, और अगर आप जो है एसिस्ट पीएच कैटेगरी से हो तो 75 पर आपको मिल जाएगा। पीएच जो पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप है उनका तो फ्रेंड्स यहां पर 65 पर भी हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स आप हिंदी में जो है 25 में से 20 ले आए, मैथ में मान लीजिए आप 15 ले आए, वहीं पर फ्रेंड्स साइंस में आप इजीली 20 में से 20 ला सकते हो, तो 20 में से 20 तो लाना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप कम लाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस पढ़ना है और समझना है और कुछ नहीं है। मैथ के क्वेश्चंस की कर ही नहीं पाओगे अगर दे दिया टफ, तो सामाजिक विज्ञान में मान लीजिए आप 15 ले आए, उसके बाद फ्रेंड्स इंग्लिश में तो आपको 20 में से 20 लाना है, लेकिन चलिए कम से कम 15 रख देते हैं, और रीजनिंग के फ्रेंड्स 10 क्वेश्चंस आएंगे तो मान लीजिए आपने 5 लाया, अब जोड़ लेते हैं कितना आया है, 20 20 40 हो गया, 15 15 15 20 15 45, 40 और 45 यहाँ पर 85 हो गया, और 5 यहाँ पर देख लीजिए 90 हो गया। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से 90 नहीं ला सकते तो फिर ईबीसी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो, तो 5 से 10 नंबर का फायदा हो जाएगा, 80 भी कट ऑफ जाता है। ओके फ्रेंड्स 80 पर भी हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट का, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप हिंदी में 25 में से 20 कैसे ला सकते हो, हो सके तो 25 भी ला सकते हो, मैथ में आप 15 ला सकते हो 25 में से, सोचिए 10 नंबर मैंने घटा दिया है फिर भी आप 90 प्लस हो रहा है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में आप 20 ला सकते हो, हिंदी अंग्रेजी में तो आप हो सके जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर लेगा तो 20 भी ले आएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लाना है। तो देखिए हिंदी में आपको फ्रेंड्स क्या करना है, रस अलंकार मुहावरे छंद संधि समास पदबंध इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के ही आते हैं। ओके, तो एक एक टॉपिक को फ्रेंड्स हो सके तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसके बाद सारे टॉपिक को अच्छे से समझिए, उसके प्रकार समझिए, उसके बाद फिर आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस फिर डेली जो है आप एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मतलब उस बुक में क्या है कि आपको 40 क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएगा और 15 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बस इतना कर लेना है, और जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसे ऊपर से पढ़ लेना है, हो जाएगा आपका क्लियर एग्जाम। अब इसमें क्या है कि मैंने प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस ऐड कर रखा है, सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो उसको देख लीजिए, बस आपका इंग्लिश कंप्लीट है, या हो सके तो लुसेंट के ऑब्जेक्ट
सॉरी उससे जनरल इंग्लिश की अगर आपके पास बुक है इंग्लिश तो उससे कर सकते हो। अब मैथ में फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें क्लास टेंथ लेवल के ही एनसीईआरटी के मैथ पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हो सके तो आप मैथ पढ़ लीजिए बुक से ही, या फिर एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके अच्छे समझ लीजिए और फिर आप इसको टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। ओके, तो ये सबसे अच्छा तरीका, त्रिकोणमिति के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक मुश्किल से आता है। ओके, अब विज्ञान का मैं आपको बताता हूं। साइंस में क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हो मतलब अच्छा स्कोर करना, आप चाहते हो एक भी क्वेश्चंस छोड़कर ना आए, तो ऐसे में आप साइंस जो है ना लुसेंट की जो बुक आती है जीके जीएस की उससे पूरा पढ़ लेना डीपली, ताकि एक भी आपका क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बस याद करने का है, समझने का है और इजीली नंबर आप ला सकते हो साइंस में। तो एक एक टॉपिक को गूगल पे भी सर्च करके आप इसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, लेकिन पहले आप इसको डिटेल में समझो, थ्योरी को पढ़ो, विभांतर क्या है, ओम का नियम से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, चुंबक के प्रभाव से आते हैं, यहाँ पर चुंबक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इससे अभिसारी अपसारी लाइंस इनसे आते हैं, सामाजिक विज्ञान में इनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो सारा टॉपिक ज्यादा नहीं है सिलेबस, कोई ज्यादा डिटेल में कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा, बस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, प्रैक्टिस सेट कर लेना है और जो टॉपिक नहीं आता उसको आपको क्लियर कर लेना है, बस। यहाँ पर सिलेबस एक एक आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको रीजनिंग का दिखाता हूँ। रीजनिंग में क्या है फ्रेंड्स कि आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे तो एक एक टॉपिक को आप समझ लो यूट्यूब पे पढ़ के और हो जाएगा। उर्दू के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने आलिम या फिर फ्रेंड्स आपने क्लास 12th में उर्दू पढ़ा है, कम से कम 50 नंबर है उसमें, या आपने जो है मौलवी को उपाधि प्राप्त की है या ग्रेजुएशन उर्दू से किया, तो डीएलएड आप कर सकते हो उर्दू से। इसमें कॉम्पिटिशन कम है, वैकेंसी ज्यादा आती है, तो जॉब लगने के ज्यादा